नमस्ते, मेरा नाम संध्या कोठारी है। मैं 8 साल से कैंसर की पेशेंट हूँ। मेरा कैंसर का ऑपरेशन मतलब ऐसे हमारे मंडल में एक चेकअप था, प्रोजेक्ट था कि सब लेडीज़ का चेकअप हो जाए, तो हमने तब मेमोग्राफी वगैरह सब फ्री में कराया था। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे चेस्ट में भी एक छोटी सी गठन है। पहले तो मैं बहुत डर गई, शर्म भी आई मुझे कि मैं कैसे बताऊँ। फिर मैंने घर पर आके बताया, तो फिर हमने कौन से डॉक्टर क्या वो सब जान लिया और हमने संजय शर्मा के पास आके उनको दिखा दिया। उन्होंने फिर टेस्ट करने के बाद ये बताया कि छोटी सी एकदम गठन है, लाखों में एक हाथ की इतनी जल्दी मतलब मालूमात पड़ती है, तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और दवाई लेनी पड़ेगी। तो उनके हिसाब से मैंने 8 साल से, जैसे उन्होंने पहले ऑपरेट किया, फिर कीमो और रेडिशन ये भी मैंने कर लिया उनके साथ में, उन्होंने जैसे बोला वैसे। और संजय शर्मा ने भी बहुत अच्छे से मेरा सब इलाज कराया, कभी उन्होंने ये महसूस नहीं दिया कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे डरो या ऐसे कोई, या समाज में भी डरने की जैसी कोई ये बीमारी नहीं है। जब भी अपने को ऐसा लगे कि अपने को कोई गठन है या अपने शरीर में कोई चेंजेस है, तो आप तुरंत दिखाइए, उससे आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको अच्छा फायदा होगा उससे। और शर्माना तो जरा भी नहीं चाहिए, अगर अपने शरीर में कोई चेंजेस होते हैं, कुछ होते हैं, तो डॉक्टर को दिखाना ही है। फिर थोड़ा सा है तभी क्यों नहीं दिखाए, ज़्यादा होने के बाद ज़्यादा तकलीफ सहने की, इससे अच्छा तो पहले ही दिखा दो। और दूसरी बात तो ये है कि जैसे कीमो या रेडिएशन के बाद में बाल सब झड़ जाते हैं, सब पूरा एकदम बाल निकल जाते, थोड़ा थोड़ा गिरना चालू होता है। मेरा भी हुआ, मेरे को भी पहले बहुत बुरा लगा था, पर मैंने क्या किया, घर पे बुला के पूरे बाल निकाल दिए, इधर उधर गिरने से अच्छा है पूरे निकाल दो। उसके बाद में थोड़ा सा शर्म आती थी समाज में जाने के, पर मेरे फैमिली ने, डॉक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप बाहर जाओ मिलो सबसे, तब मैंने ये सब चालू कर दिया, शुरू कर दिया। तो मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बीमारी में हूँ या बहुत ये है। तो आप जल्दी से अच्छे हो जाते हो और इसमें शर्मा ने जैसा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब जन अपना चेकअप एज के हिसाब से तो करिए, पर जब भी आपको ऐसा डाउट हो तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और जल्दी से इलाज कीजिए। नमस्ते।